संख्या में पुलिस फोर्स, वाटर कैनन के जरिए पानी की बौछारों से लोगों को रोकने का प्रयास, और लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस लोगों को रोकने का प्रयास कर रही है। काफी भीड़ देखने को मिल रही है और लोगों को पुलिस की बस में ले जाया जा रहा है। कुछ लोग अपनी इच्छा से भी बस में बैठ रहे हैं। संख्या इतनी है कि बस में समा ही नहीं रहे। वीडियो देखकर लगा होगा कि ये शंभू बॉर्डर का है, लेकिन ये राजस्थान का वीडियो और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक चांदना के प्रदर्शन का है। सवाल तो ये भी आपके मन में आया होगा कि चांदना इतने बड़े लेवल पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि ये प्रदर्शन किसानों के समर्थन में ही है। राजस्थान के बूंदी जिले में किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। आजाद पार्क में बड़ी संख्या में एकत्रित कार्यकर्ता जब भीड़ के रूप में कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगे, तो रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन से पानी की बौछारें फेंकते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने पूर्व मंत्री अशोक चांदना और विधायक सीएल प्रेमी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अहिंसा सर्किल पर बने बैरिकेड पर तैनात भारी पुलिस बल ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को रोक लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों से विधायक अशोक चांदना और किसानों की झड़प भी देखने को मिली, और इसके बाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिया। प्रदर्शनकारी दूसरे बैरिकेड को भी तोड़कर कलेक्ट्रेट जाने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों पर हल्का बल का प्रयोग किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार भी की, और इसके बाद सभी प्रदर्शनकारी वहीं पर बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने विधायक अशोक चांदना, विधायक सीएल प्रेमी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके अलग अलग स्थान पर जाकर छोड़ दिया। कांग्रेस का किसानों के समर्थन में होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने ये जानकारी देखी और उन्होंने ये जानकारी दी कि इस प्रदर्शन को देखते हुए 3 एडिशनल एसपी, 4 पुलिस उपाधीक्षक, 12 सीआई, 15 सब इंस्पेक्टर, 2 आईएसी की कंपनियां सहित 500 पुलिस और आरएसी के जवान तैनात किए गए। वहीं वाटर कैनन और वज्र वाहन का भी इंतजाम किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कसवा ने बताया कि कानून के दायरे में रहकर सभी को प्रदर्शन करने का अधिकार है। हमने अशोक चांदना सहित 100 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके अन्य जगह पर छोड़ दिया। गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा छोड़ने के बाद हिंडोली विधायक अशोक चांदना, बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा और जिलाध्यक्ष सीएल प्रेमी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यहां गौर करने वाली बात तो यह है कि सत्ता का तो पता नहीं, लेकिन अब विपक्ष में रहकर चांदना खुद को निखारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका अगला टारगेट लोकसभा का चुनाव हो। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।